हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। हम अभी हैं कलैया, बारह जिला कलैया, एक नंबर वार्ड में। तो गाइस, यहाँ पे खाटी करुआ तेल आप लोगों को मिलता है और यहाँ पे मशीन से निकाल कर, खुद अंकल जी बताएंगे, मशीन से निकाल कर और यहाँ पे करुआ तेल मिलता है। तो गाइस, आप लोग को दिखाने वाले हैं, तो बनेगा चैनल पर। चलिए, हम पूछते हैं अंकल जिसे कितना दिन से ये बिजनेस किए हैं अंकल, और कितना प्रॉफिट होता है इनको, और डेली का तेल कितना बेच देते हैं। तो बन रहेगा चैनल पर गाइस। चलिए, हम अंकल जी से कुछ सवाल करते हैं। तो अंकल जी, आप बताइए कितने से बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस कितने से स्टार्ट किए हैं? हमारा 27-28 वर्ष हो चुका है। 27-28 वर्ष हो गया। हाँ, ये बिजनेस करते अपने के खुद मिलवा। हाँ, ये तेल कैसे बनावे नहीं, अपने कैसे मटेरियल लाए नहीं, मतलब कथी कथी लागे ला इसमें? एमें तो कुछ भी ना लागला, तोरी पेरायला, तोरी के तेल बिकाला, बस हो तकल कोई नहीं। खाटी करुआ तेल, सिर्फ करुआ तेल। हाँ, खाटी करुआ तेल। अपने 27 साल से बेचता नहीं? हाँ, कोई भी कंप्लेन नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया अभी तकले, कोई कंप्लेन नहीं किया। अच्छा, अभी एक लीटर के कितना रुपया लेवे? अभी एक लीटर के 280 रुपया। 280 रुपया। अच्छा, और दूसरा दुकान से यहाँ सस्ता मिलेगा? और दुकान जितना भी पाउच वाला तेल बा, वो सब तेल अपने के दो नंबर के हिसाब से, तो वही रेशियो के हिसाब किताब से बांटे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो तेल में, तेल में बहुत फर्क? हाँ, बांटे बांटे बहुत। अच्छा, ये ओरिजिनल हो गई अपने के? हाँ, मिल के हो गए। अच्छा, एक दिन में अपने कितना करुआ तेल बेचे नहीं? वे 50-60 लीटर ले खुदरा खदरी तेल एक दिन में। हाँ, एक खुदरा खदरी में 50-60 लीटर तेल। हाँ हाँ, कितना तक ले, कितना लीटर पॉइंट में बेचे नहीं अपने? 50 ग्राम तक। 50 ग्राम तक ले। अच्छा अच्छा, एक और कुछ इनकम स्रोत बता सकते नहीं अपने के? वो कितना है, 50-60 लीटर, मैंने लीटर में अगर 20 रुपया कमाल जाए तो 1000 रुपया, 1500 रुपया के रोज के हिसाब से आवे। चल, 2000 रुपया रोज के अपने को हो जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। 27 वर्ष से अपने के बिजनेस चला रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अपने अपने के मिल में अपने के स्टाफ रख ले बनी? स्टाफ नजीके बा मिल, अपने के देखा होता मिल। चलिए, हमने के गाइस, हमने के चल के दिखा देता नहीं मिल के, जोन मिल में तेल पेरा रहा बा तोरी के। तो अपने गाइस, अभी अभी हमने के स्टॉक में भी तोरी रखाइल बा, अभी मतलब कि तोरी ये सब स्टॉक में रखाइल बा, इन्हें बोरा में दिखाई थे नहीं गाइस, बोरा में भी तोरी रखाइल बा, काला वाला तोरी बा के ये। और यहाँ भी देख सकते हैं, अभी मशीन में चालने के लिए रखे वहाँ पे, ये मशीन को चाल कर उसमें किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर चल के दिखा देते हैं आप लोगों को। अंकल जी, अपने में तेल पड़ता नहीं? अच्छा, कौन कौन मशीन कैसे कैसे में तोरी पर आला, ये हमने जानकारी दिया। और मशीन कैसे काम करेला? पंप, पंप के काम करेला। थोड़ा दिखाइए वहाँ पे, ये जो मशीन है गाइस, ये पंप का काम करता है। ये मशीन को ना चाहता है? तेल सप्लाई करता है वो। अच्छा, यहाँ पे तोरी आप डालते हैं फर्स्ट में? हाँ, कितना बार तोरी डालते हैं आप? कई बार तोरी अपने डाले नहीं, कितना बार? तोरी 5 बोरा 6 बोरा 10 बोरा। अच्छा, एक एक बार तोरी के कई बार डाल के तेल निकाल लिया? 3 बार। अच्छा, ये मशीन में डाला कि वहाँ पे? एक मशीन का पता है दोनों में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे तोरी, जो तोरी का जो होता है ना मटेरियल, पीना। अच्छा, ये कितना बार हो गया अभी? अभी तो पहला है। पहली बार है अभी, एक बार फर्स्ट बार है ये, देख सकते हैं आप लोग। इसमें अभी तोरी कितना, 2 बार और जाएगा ना? 3 बार और जाएगा। तो गाइस, ये अभी 1 बार हो गया है और 3 बार और जाएगा, 4 बार में तोरी का तेल निकलता है। तो गाइस, तेल कहाँ निकलता है इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। कहाँ? वहाँ पे ना, वहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए आप कैमरा को। गाइस, देख सकते हैं वहाँ पे, वहाँ पे तेल निकल रहा है, डिब्बे में रखा गया है नीचे, और एक एक डिब्बा वहाँ पे तेल स्टॉक हो चुका है गाइस। वहाँ पे जो गंध होता है, गाद होता है, गाद उसको निकाल कर फिर उसके प्लेट में निकाल कर अंदर डाल देते हैं, तो उस पर आ जाता है गाइस फिर से दोबारा, क्योंकि गंध भी निकलता है वहाँ पे, छाना जाता है, छाना के तब तेल वहाँ पे निकलता है गाइस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी, इस मशीन में क्या चीज़ का काम होता है अंकल? इस हाई मशीन में कथियों के ला बस बा दूरी एक बाकी सरसों यही में पड़ा तो यही में पड़ा दूर आ तीसरी के में पड़ा अच्छा कोई आवेला तो आप पेरा रहा इसे ना पेरा ना गाइस देख सकते हैं मशीन यही है बड़ा बड़ा मशीन है और स्टॉक रखे हैं कि नहीं आप तेल
तेल स्टॉक बाकी ना आपने डिब्बा में। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे कि गाइज देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राम में तेल रखा गया है, जो ये ड्राम में भर कर रखा गया है, जैसे कि दिखा सकते हैं, इसको खोल कर दिखाते हैं, नीचे बंद है, ये बंद लग रहा है, देख सकते हैं गाइज, देख सकते हैं वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तेल अंदर ड्राम में रखा हुआ है। और यहाँ से ये पाइप के द्वारा ये जो घुमा देने के बाद इसमें से तेल निकलता है गाइज, पर ये निकालने के लिए ये रखे गए हैं। तो अंकल जी थोड़ा निकाल कर दिखाइए, तो थोड़ा सा तेल दिखाइए, तो थोड़ा निकाल कर फिर आप रिटर्न रख दीजिएगा उसमें। पाइप के द्वारा निकालते हैं नीचे घुमा के। अच्छा अच्छा देख सकते हैं गाइज, थोड़ा नजदीक में कीजिए, नजदीक में कितना अच्छा सिस्टम लगाया गया अंकल, चलिए रहने दीजिए। खाटी का तेल है गाइस, इसमें देख सकते हैं, फोकस करिए, वो खाटी का तेल है पूरा ओरिजिनल, बच्चा के नकल लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्पेशल है। तो गाइस यहाँ पे स्टॉक तोरी रखा गया है, देख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सफाई नहीं रखे हैं अंकल, काला वाला तोरी है गाइस। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर, इतना ही तक फिर करते हैं, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, नमस्कार।